देवास के वार्ड क्रमांक 8 में 8 सितंबर को एक हादसा हुआ था, जिसमें एक 18 वर्षीय बालक सागर प्रजापति की इस हादसे में जलने के कारण मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि गेल गैस की वहां से उसके घर में जो पाइपलाइन गई थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ था। लेकिन इसके बाद दीपावली के दिन एक बार फिर उसी वार्ड में, उसी गली में एक हादसा हुआ, जिसमें भी यहां पर लोग हताहत हुए। बताया जा रहा है कि इसके बारे में क्षेत्रीय पार्षद राजन सिंह ठाकुर ने लगातार शिकायत की और जिला प्रशासन से मांग की कि मौका मुआयना करे। इसी के बाद बिहारी सिंह SDM, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में यहां पर नगर निगम और गेल गैस के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने मौका मुआयने की जानकारी एकत्रित की। जी, मैं तो राखी पे गई हुई थी और राखी पे 8 तारीख सितंबर को मेरा बच्चा यहाँ आया और 8 तारीख को वहाँ से इंदौर से 11:30 बजे वो घर से निकला था। अब उसके बाद यहाँ वो 12:30 आया, 1:45 बजे आया, पर उसने आकर अंदर सिर्फ शटर ओपन करा और शटर ओपन करने के बाद उसने लाइट के खटके चालू करें, लाइट के खटके चालू करके उसने जो शर्ट थी एक जो पहरी हुई थी गीली होने के कारण वो उतारी और बस एक जो यहाँ टंगी हुई थी वो शर्ट पहरी और बाथरूम करने गया। बाथरूम करने के बाद वो जब घर में से जलता हुआ ही निकला, पूरे मोहल्ले वालों ने उसको संभाला क्योंकि मैं तो यहाँ आ ही नहीं पाई। उसको यहाँ से फिर कैसे क्या ले गए, क्या हुआ, गैस का है। अच्छा, ये बताएं हादसा किस दिनांक का था, किस तारीख का था? ये हादसा 8 सितंबर का था सर। और आपके बच्चे की डेथ कब? 13 तारीख को डेथ हुई, 14 तारीख को उसको MBI से रिफेयर कर। क्या दीवार टूटी थी आपके यहाँ? हाँ, दीवार, ये पूरा ब्लास्टिंग दीवार है, ये दीवार है, वो दरवाजा भी पूरा। हादसा हुआ क्यों दीदी, आप थोड़ा सा बताएं। ये मेरे को तो सर आइडिया नहीं है, गैस की वजह से ही हुआ है कुल मिलाकर सर ये। अच्छा, आपको कुछ मुआवजा? आज आपके वार्ड में नगर निगम और गेल गैस और जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, क्या विषय है? आज से 2 महीने पहले यहाँ पर मेरे परिवार सदस्य प्रजापति जी की घटना हुई थी, जिससे उनके बालक की मृत्यु हो गई है। उसके लिए मैंने जांच के लिए भी कलेक्टर साहब और SDM साहब को बोला था, पर बिजी होने के कारण जांच नहीं कर पाए। उसके बाद दिवाली के दिन दूसरा विस्फोट होता है यहीं पर, और वो विस्फोट होने के कारण फिर मैं तुरंत अधिकारियों को सूचना देता हूँ। गेल गैस के अधिकारी सब आते हैं यहाँ पर और गेल गैस वालों बोलते हैं हमारी ये इसमें कोई वो नहीं है। फिर कलेक्टर साहब इसमें 3 सदस्य जांच कमेटी बनाते हैं, कमेटी द्वारा यहाँ 2 दिन से जांच चलती है और आज पाया गया कि वाकई में सीवरेज लाइन जो है, सीवरेज लाइन की पाइपलाइन में गेल गैस की पाइपलाइन मैच हो रही थी अंदर, और वो कहीं ना कहीं से लीकेज थी। उस लीकेज के कारण पूरी सीवरेज लाइन में गेल गैस की गैस मिल रही थी, जिसके कारण ये सारी घटना हुई है। और मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन और सभी अधिकारियों से कि इसकी जांच तो हो ही गई है, गेल गैस के उच्च अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। आपका नाम बताइए। राजेंद्र ठाकुर, क्षेत्रीय पार्षद, इटावा। सर बताइए, सर यहाँ पर कुछ गेल गैस का और नगर निगम का कुछ? देखिए, सितंबर माह में 8 तारीख को एक ब्लास्ट हुआ था, एक प्रजापति जी हैं उनके घर में, जिसमें उनका बच्चा घायल हुआ था और बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद 12 तारीख को दीपावली के दिन यहाँ के गैस चैम्बर्स के जो ढक्कन थे वो विस्फोट से उड़ गए थे, तो यहाँ के रहवासियों और पार्षद जी द्वारा बार बार इसकी विस्तृत जाँच की मांग की जा रही थी और ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि गेल गैस की पाइप सप्लाई से लीकेज हुआ है। तो उसी के संदर्भ में गेल अथॉरिटीज़ के लोगों के साथ, नगर निगम के लोगों के साथ और आज और स्थानीय लोगों के उपस्थिति में जांच किया गया। जांच का दूसरा दिन था, जांच में सारे तथ्य बहुत क्लियर कट हैं, जिसका अभी खुलासा नहीं करेंगे, रिपोर्ट में हम कलेक्टर साहब को दे देंगे। जांच पूरी हो गई है। प्रथम दृष्टया एक जगह गैस के पाइपलाइन में लीकेज था, जो कि चंबा वो सीवर लाइन में मिक्स हो रही थी और घटना का मूल कारण यह प्रतीत हो रहा है। सर, आसपास के रहवासियों को भी कहना है कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है गैस रिसाव हो रहा होगा निश्चित, क्योंकि गैस का रिसाव पाया गया है तो पहले से ही हो रहा होगा, एक दिन का नहीं है। सर, 2-2.5 महीने में ये दूसरी घटना है इसी क्षेत्र में होना, क्या देखते हैं? अब ये इंसिडेंट है, देखेंगे और जिम्मेदारी तय होगी।